Hello guys, we are going Pashi Varna Park today. So hope you guys will be enjoy. यह पार्क बहुत बड़ा है तो आज हम कवर करेंगे पर्सी वार्नर हॉर्स ट्रेल्स और स्टेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं पर्सी वार्नर पार्क और मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी यहाँ का ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखला देती हूँ यहाँ का। हम लोग थोड़े अपसाइड पे हैं और थोड़ा पार्क है, वो स्टेयर से जाके नीचे जाना है, तो फिर भी आपको यहाँ से एक बार पूरा व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ही मस्त हवा चल रही है यहाँ पे और मौसम भी बहुत ही अच्छा है, क्लाउडी वेदर हो रहा है, तो हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे आए हैं। ये जगह कितनी अट्रैक्टिव है और कितना ज्यादा यहाँ पे ग्रीन सब हो रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने। So guys, we crossed the horse trail. Now we are going to Warner Stairs side. So once we reach there, we will show you the beauty of the stairs. ये देखिए क्या मस्त यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में हम घुस चुके हैं। शायद अब हम मैप तो दिखा रहा है कि 3 मिनट में हम पहुंचने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं। So guys, we reached there. You can see our backside, the Pashi Varna Park. Let's go inside. ये देखिए यहाँ का सीनिक व्यू। यहाँ पे पैदल पार्किंग है तो लोग कार ऐसे पार्क कर रखे हैं। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और इस पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं स्पेशली ट्रैकिंग करने के लिए, और क्योंकि यहाँ का विजुअल बहुत ही अच्छा है तो बहुत लोग यहाँ पे फोटोशूट भी करवाते हैं, लाइक वेडिंग फोटोशूट। तो कपल फोटोशूट के लिए परफेक्ट प्लेस है। मैं दिखाऊँगी थोड़ा क्लोज जब जाऊँगी कि यहाँ का जो ये स्टेयर्स था, जो जब मैंने एंट्री करते टाइम दिखाया, वो स्टेयर्स पर कितनी अच्छी अच्छी पिक्स आती हैं। वीक डे है, स्टिल क्राउड है आज। ये देखिए गाड़ियों के पार्किंग, मतलब आज यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कितने लोग आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यूएस में सब कुछ नॉर्मल होता दिख रहा है और होपफुली सब नॉर्मल ही रहे। तो जिस जगह के बारे में बोल रही थी कि मैं फ़ोटोशूट के लिए, बहुत ही अच्छा लोकेशन है वो कपल फोटोग्राफी के लिए, आपको भी ये जगह दिखाती हूँ। इस पे ही हम आगे बढ़ते चलते हैं और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी जो पिक्स हमने यहाँ पे क्लिक की है। तो दिखाया मैंने आपको यहाँ का सारा व्यू। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जितने भी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं वो आप सब से भी शेयर करें। हमने कुछ ट्राई किया यहाँ पे, आप भी इसके मजे लीजिए।
वी आर गोइंग अपसाइड, लेट्स सी हाउ इज देयर। अब देखिए हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ से इसका व्यू पार्क का बहुत ही गजब सुंदर दिख रहा है। डाउनसाइड एरिया फर्स्ट सेक्शन था पार्क का, और अभी जहाँ पे हम ये सेकंड सेक्शन है, यहाँ से बहुत सारे ट्रेल्स के रास्ते निकलते हैं। तो हमने इस पार्क का दूसरे साइड का आपको सेक्शन दिखाया, अब आगे ट्रेल्स है। हम तो आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग जितना चले उसमें ही लग रहा है बस हो गया। तो लोग स्पेशली यहाँ पे इसलिए ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी ट्रेल्स दिए हैं, तो सब लोग अपने पेट्स के साथ यहाँ पे आते हैं, वॉक करते हैं। और मैं आपको इधर दिखाती हूँ यहाँ का ट्रेल का लुक। देखिए यहाँ का ट्रेल, बस आप अंदर ही अंदर जाते जाइए और पूरा कम्प्लीटली फॉरेस्ट रहेगा। ये एक और ट्रेल है, ये देखिए। तो ये कई सारे ट्रेल्स हैं यहाँ पे। ऐसे तो ये पार्क काफ़ी बड़ा है और बहुत सा बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो दूसरे सेक्शन का तो हमने आपको पहले दिखा दिया है, और भी बहुत सारी जगह हैं गोल्फ के लिए, खेलने के लिए भी यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है। चलिए फिर हम लोग नीचे चलते हैं अब गोल्फ सेक्शन की तरफ। ये काफ़ी हाइटेड था। तो ये रहा गोल्फ कोर्स। एंड आवर वीडियो हेयर ओनली, सो इट्स रियली अ नाइस प्लेस, सो गाइस कम हियर डेफिनेटली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही हम और भी जगह पे आपके साथ मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।